राजभवन पहुंच चुके हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, कल सवेरे 11 बजे के शपथ ग्रहण पर भी बात होगी। विधायक दल की बैठक समाप्त हो चुकी है, सुखविंदर सुक्खू को मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया है और मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री के तौर पर, सुखविंदर सिंह सुक्खू तस्वीरों में आप देख रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो राजभवन पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ये मीटिंग खत्म हुई जिसमें सुखविंदर सुक्खू के नाम पर लगी है मोहर। हाईकमांड की तो पहली पसंद वही थे, लेकिन हिमाचल में जिस तरह का माहौल था, खासतौर से प्रतिभा सिंह के समर्थकों की तरफ से जो विरोध हो रहा था, उसके बाद प्रतिभा सिंह के खेमे को मनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी राजीव शुक्ला को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और भूपेश बघेल को। राजीव शुक्ला जो कि हिमाचल में कांग्रेस प्रभारी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल जो कि यहां पर ऑब्जर्वर के तौर पर आए हैं, आखिरकार प्रतिभा सिंह के खेमे को मनाने में सफलता इन्होंने हासिल की। प्रतिभा सिंह जब इस मीटिंग के बाद बाहर निकली, उन्होंने कहा कि हाईकमांड का जो आदेश है, जो फैसला है, वो हमें मंजूर है और इसके बाद और कुछ भी कहना नहीं है। राजभवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा यहां पर पेश किया जाएगा और अब प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सुक्खू एक साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीरें ये संदेश देने के लिए काफी हैं कि अब दोनों खेमों के बीच सब कुछ ठीक है। ये संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जरूरी है देना, क्योंकि इससे पहले कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी को इसी खेमेबाजी और गुटबाजी की वजह से टूट का सामना करना पड़ा है, बिखरना पड़ा है कांग्रेस पार्टी को। छह महीने पहले उन्होंने खुद कहा कि मुझे प्रियंका गांधी ने जिम्मेदारी दी हिमाचल की चुनाव की, और छह महीने पहले जो काम मैंने शुरू किया, मैंने वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट मांगे, उनके काम के नाम पर मैंने वोट मांगा और हिमाचल की जनता ने उन्हीं के नाम पर वोट दिया है, इसीलिए उनके परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हिमाचल का चुनावी नतीजा आने के बाद जैसे ही प्रतिभा सिंह ने यह कहा कि वीरभद्र सिंह के परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसे एक दबाव की रणनीति के तौर पर ही देखा जा रहा था। वो दबाव बनाना चाहती थी कांग्रेस हाईकमांड पर कि उनके परिवार को नजरअंदाज ना किया जाए और पद जो है वो उन्हीं के परिवार को मिले, लेकिन आखिरकार सुखविंदर सुक्खू ही बने हाईकमांड की पहली पसंद। संदीप मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ, संदीप हम तस्वीरें देख रहे हैं राजभवन के अंदर की तस्वीरें, सुखविंदर सुक्खू, प्रतिभा सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजीव शुक्ला, ये तमाम अब पहुंच चुके हैं राजभवन राज्यपाल से मुलाकात के लिए। भूपेश बघेल जो कि यहां पर एक ऑब्जर्वर के तौर पर आए, इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि ऑब्जर्वर के तौर पर यहां पर आए, हिमाचल के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रतिभा सिंह जो कि हिमाचल की कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली और इस चुनाव को जीतने के लिए उनकी तरफ से कड़ी मेहनत की गई। संदीप मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, संदीप तस्वीरें राजभवन के अंदर की, तमाम नेता पहुंच चुके हैं मिलने राज्यपाल से। बिल्कुल विशाल, क्योंकि बिना देरी करते हुए जो है वो लगातार बिना देरी करते हुए जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू और तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो है सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कल सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री पद की जो है शपथ लेने जा रहे हैं और इसके लिए जो है समय निर्धारित कर दिया गया है 11 बजे का, और कल सुबह जो है रिज से जो है वो रिज में ये कार्यक्रम रहेगा। इसके साथ साथ जो है वो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी शपथ लेंगे। इस दौरान जो है ये बताया जा रहा है कि राजीव शुक्ला और तमाम भूपेश बघेल हो, प्रेमनंद सिंह हुड्डा हो और बाकी के जितने भी बड़े सीनियर लीडर्स हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है वो फास्ट एक्शन मोड पे ये तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि बिना देरी करते हुए पहले विधायक दल की बैठक होती है और उसके बाद निर्णय लिया जाता है और फिर ठीक विधानसभा से जो है वो गवर्नर हाउस के लिए निकला जाता है। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि
अभी जो है वो गवर्नर से मुलाकात की जा रही है, सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है और सबसे पहले कार्यक्रम में जो है वो शपथ समारोह जो है वो सबसे मेन मुख्य कार्यक्रम का हिस्सा है। तो यानी कल संदीप जो तस्वीरें हम देख रहे हैं राजभवन के अंदर की तस्वीरें, यहाँ पर सुखविंदर सुक्खू और प्रतिभा सिंह एक साथ अगल बगल में बैठे हुए हैं, बातचीत करते नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए ये तस्वीरें पूरे हिमाचल में पहुंचे, जो संदेश इन तस्वीरों से निकल रहा है वो पहुंचे, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये दोनों खेमे साथ मिलकर रहेंगे तभी कांग्रेस पार्टी एक साथ बची रहेगी। बिल्कुल विशाल आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरीके से समर्थकों की जो है वो विरोधी तस्वीरें जो है वो देखने को स्वर देखने को मिल रहे थे, लेकिन उसके उसको विराम लगाने के लिए ये तस्वीर ही काफी है, क्योंकि आलाकमान लगातार जो है वो इन तमाम गुटों के बीच समन्वय बिठाने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए आज जो है वो एक निर्णय निकल कर सामने आया है। प्रतिभा सिंह से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, उन्होंने कहा कि आलाकमान का जो निर्णय है उसी पर जो है वो हमारा समर्थन रहेगा, तो साफ तौर पर संदेश दे दिया गया है और इसकी पहली तस्वीर जो है ये अभी सामने ताजा तस्वीर देखने को मिल रही है कि दोनों नेता जो है वो किस तरीके से जो है वो सहजता से मुलाकात कर रहे हैं और जाहिर तौर पर यही तस्वीर पूरे प्रदेश और देश को जाने वाली है, क्योंकि अब अगले 5 साल तक जो है वो एक स्थिरता से जो है सरकार को चलाना कांग्रेस के लिए जो है वो बेहद जरूरी रहेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी जो है वो कांग्रेस का जो है वो प्रहार करती नजर आती रही है और कई बार जो है वो कटाक्ष सुनने को मिलते रहे हैं, लेकिन उसका रिएक्शन जो है वो लगातार कांग्रेस की तरफ से अगर यही मिलता रहा है कि कांग्रेस के नेता जो है वो आसानी से जो है वो 5 साल जो है वो एक सरकार चलाएंगे और आज जिस तरीके से 2 दिनों के भीतर जो है वो एक डिसीजन ले लिया गया और विधायक दल का नेता चुन लिया गया और ये तस्वीर सामने है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में माथापच्ची जो है वो चाहे वो ऑब्जर्वर हो, सीनियर लीडर्स हो या फिर स्टेट के लीडर्स हो, तमाम इनके बीच रही है और इन तमाम अटकलों पर जो है पूरी तरीके से विराम लग चुका है और अब जो है वो प्रदेश को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के तौर पर मिल चुका है। प्रतिभा सिंह जो की मानने के लिए तैयार नहीं थी सुखविंदर सुक्खू को मुख्यमंत्री के तौर पर, उनके खेमे को मनाया कैसे गया, साधा कैसे गया? देखिए यही जो प्रेस था जो लगातार फटा हुआ था, लगातार जो है वो सीनियर लीडर्स हाई कमान जो है वो प्रतिभा सिंह से जो है लगातार बातचीत कर रहे थे, हालांकि इस बीच ये भी सुनने को मिल रहा था कि विक्रमादित्य सिंह को भी जो है वो एज अ डिप्टी सीएम लिया जा सकता था, लेकिन इस बीच नया अपडेट सामने निकल कर आया कि मुकेश अग्निहोत्री जो है वो डिप्टी सीएम के तौर पर जो है वो प्रदेश सरकार में रहेंगे, तो ऐसे में विक्रमादित्य सिंह को जो है वो क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उस पर भी सवाल जो है वो राजीव शुक्ला से लेने की हमने कोशिश की है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनको जो है वो काफी महत्वपूर्ण पद जो है वो मंत्रिमंडल में दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं समन्वय किसी न किसी तरीके से जो है वो दोनों तीनों जिलों में जो है वो बैठाने की कोशिश की गई है और जाहिर तौर पर उसका नतीजा सामने निकल कर आया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो डिसाइड किया गया सुक्खू को और डिप्टी सीएम के तौर पर जो है वो मुकेश अग्निहोत्री को जो है वो डिसाइड किया गया और अब जो बाकी मंत्रिमंडल में जब विस्तार किया जाएगा तो उसमें विक्रमादित्य सिंह को जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो पद दिया जाएगा, क्योंकि दूसरी बार विधायक चुनकर आए हैं और जाहिर तौर पर इसी तरीके से जो है वो हाईकमान के जो है वो प्लानिंग के हिसाब से उसका एग्जीक्यूशन और उसकी ये तस्वीर सामने देखने को मिल रही है कि प्रतिभा सिंह भी साथ हैं और एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि आलाकमान ने जो डिसीजन लिया है अब हम उसका समर्थन करते हैं। जी एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिए, राजभवन के अंदर की ये तस्वीरें हैं, राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचे हैं, यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिन्हें विधायक दल ने नेता के तौर पर चुना है वो भी नजर आ रहे हैं, कल 11 बजे शपथ ग्रहण होना है, मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर सुक्खू जो है वो शपथ लेंगे, इसी के साथ साथ प्रतिभा सिंह भी यहां पर है, हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जिनके नेतृत्व में ये जीत हासिल हुई, जो चाहती थी कि वीरभद्र सिंह के परिवार से ही मुख्यमंत्री का पद किसी को दिया जाए लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, अब इन दो चेहरों को यहां पर एक साथ बैठाकर कांग्रेस पार्टी यह दिखाना चाहती है कि दोनों खेमों के बीच में ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है, पार्टी टूटी नहीं है, पार्टी के दोनों बड़े नेता एक साथ हैं, सभी विधायक एक साथ हैं, यह सबसे बड़ा मैसेज है इस तस्वीर का। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का व्यक्तिगत तौर पर आभारी हूं कि मैं एक आम परिवार से उठकर मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है और जब भी मैं जीवन के जिस काल में पहुंचा
मुझे NSOI का अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने बनाया, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया और गांधी परिवार ने मुझ पर जो एक साधारण परिवार से उठकर राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस योगदान के लिए मैं उनका व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करता हूं और हिमाचल की जनता का जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई है, जो वादे हिमाचल की जनता से हमने किए हैं उन वादों को अक्षरक्ष लागू करने का दायित्व और जवाबदेही मेरी है। इस दृष्टिकोण से भी हमें आगे जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना है। अभी तो जरा गवर्नर हाउस जा रहे हैं जी, कार्यक्रम जो तय होता फिर बताते हैं। सर कल कितने बजे शपथ समारोह रहेगा? सर संभवतः 11 बजे। 11 बजे सर, क्या केंद्र से भी कोई नेता आने हैं? मुकेश जी डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं विशाल, ये सीधी तस्वीर जो है वो विधानसभा परिसर से देखने को मिल रही है। मुकेश अग्निहोत्री को जो है वो डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी सौंपी गई है। हिमाचल सरकार में जो है एक महत्वपूर्ण जो पद पर रहेंगे और जाहिर तौर पर यहाँ से अब सीधा ये गवर्नर हाउस पहुँच रहे हैं। इससे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो पहले ही पहुँच चुके हैं, बाकी के नेता प्रतिभा सिंह वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और अब गवर्नर से मुलाकात की जा रही है। कल सुबह 11 बजे जो है वो शपथ समारोह रहने वाला है और शपथ दोनों ही मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो है वो लेने वाले हैं और कल का दिन काफ़ी खास रहने वाला है। जी विशाल, ठीक है। अमित भी मेरे साथ जुड़ गए। अमित, एक तस्वीर हम राजभवन के अंदर से देख रहे हैं जहां पर सुखविंदर सुक्खू और प्रतिभा सिंह एक साथ बैठे हुए हैं, अगल बगल में बैठे हुए हैं। ये तस्वीर कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे जरूरी तस्वीर है और इसीलिए इन्हें एक साथ राजभवन लाया गया है ताकि कांग्रेस पार्टी में एक मैसेज जाए कि दोनों खेमे एक साथ हैं, पार्टी टूटी नहीं है, दोनों खेमे राजी हैं इस फैसले पर। संदीप विशाल, सवाल दोहराएंगे क्या? ये जो तस्वीर है सुखविंदर सुक्खू और प्रतिभा सिंह की एक साथ राजभवन के भीतर, ये तस्वीर शायद कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे जरूरी तस्वीर है इस वक्त की, क्योंकि दोनों खेमे साथ हैं। ये मैसेज अगर नहीं पहुंचा कार्यकर्ताओं के बीच, विधायकों के बीच, तो मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल विशाल, आपने ठीक कहा, क्योंकि ये तस्वीर का बाहर निकलना कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर इस मीटिंग, जब ये विधायक दल की मीटिंग हो रही थी उस दौरान जो है वो हमें बाहर के एरिया से देखने को मिल रही थी, क्योंकि लगातार हॉली लॉज के समर्थक जो हैं, प्रतिभा सिंह के समर्थक जो हैं, वो लगातार नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस बीच जो है वो आलाकमान के डिसीजन के बाद जो है वो एक फैसला लिया गया और जाहिर तौर पर अब जो है वो तमाम गुटबाजी की अटकलों को विराम लगाते हुई ये तस्वीरें जो है वो आना बेहद जरूरी कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर रहेगा, क्योंकि इसी के तहत जो है दोनों ही नेता जो हैं इस वक्त गवर्नर से मुलाकात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मुकेश अग्निहोत्री यहां से निकल चुके हैं और वहां पर थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, तो उनकी भी तस्वीरें वहां से देखने को मिलेंगी और जाहिर तौर पर कल का दिन बेहद जरूरी और खास रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही बड़े नेताओं को जो है वो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, एक को मुख्यमंत्री की, एक को उप मुख्यमंत्री की। तो ये शपथ समारोह सुबह 11 बजे जो है वो रिज में होने जा रहा है और जाहिर तौर पर ये अब तक के हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि दो दिनों के भीतर। संदीप, देखिए सुखविंदर सुक्खू का नाम तो पहले से तय लग रहा था कि हाईकमान की पहली वो पसंद है। थोड़ा सा मुकेश अग्निहोत्री के बारे में भी बताइए, कैसे उप मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर विचार हुआ, कैसे उनको पसंद किया गया? देखिए, जब पहले दिन जो है पिछले कल की अगर मैं बात करूं तो उस दौरान जब पहली नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक हो रही थी तो तमाम विधायकों से जो है ऑब्जर्वर ने 1-to-1 करते हुए पहला नाम जो है वो मुख्यमंत्री के लिए जो है वो लिया था। उसके अलावा जो है अल्टरनेट नाम भी जो है वो उनसे पूछा गया था कि अगर इस पर सहमति दर्ज नहीं होती, पहले नाम पर सहमति दर्ज नहीं होती है, तो क्या दूसरा कोई नाम जो है रहेगा? तो उसके तहत जो है जाहिर तौर पर 3 नामों पर जो है वो नाम
आगे चल रहे थे, प्रतिभा सिंह का नाम चल रहा था, सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम चल रहा था और मुकेश अग्निहोत्री का नाम चल रहा था। तो आज पूरा दिन यही गहमा गहमी बनती रही कि अगर प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री जो है वो नहीं, उन पर फैसला नहीं लिया जाता है तो क्या दूसरा उनकी तरफ से कोई जो है कोई दूसरा नेता रहेगा। तो मुकेश अग्निहोत्री का नाम जो है वो पैरेलली चलता रहा। फिर जब फाइनली जो है डिस्कशन का दौर जो है वो आगे बढ़ता रहा तो आलाकमान के डायरेक्शन के बाद जो है ये निर्णय लिया गया कि अब जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा जो है एक उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाना बेहद जरूरी रहेगा। उसकी जिम्मेवारी के लिए जो है वो मुकेश अग्निहोत्री जो है फिट बैठते हैं। इसीलिए जो है वो आज शाम तक ये जो है वो चर्चा चलती रही, आलाकमान को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई और डायरेक्शन आने के बाद जो है वो आज ही फैसला ले लिया गया कि आज ही विधायक दल की बैठक जो है वो विधानसभा परिषद। संदीप, सबसे ज्यादा बड़ा सवाल यही था कि जिस वक्त विधायक दल की बैठक हो रही थी, आपने खुद भी तस्वीरें दिखाई थी कि अंदर विधायक दल की बैठक हो रही है, बाहर प्रतिभा सिंह के समर्थक इतने जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, आक्रोश दिखा रहे हैं कि साहब सुखविंदर सुक्खू का नाम आप मत तय कीजिए, आप तय कीजिए प्रतिभा सिंह का नाम या फिर आप तय कर लीजिए वीरभद्र सिंह से किसी परिवार से किसी और का नाम, लेकिन सुखविंदर सुक्खू नहीं। तो आखिरकार सहमति बनी कैसे? सवाल वही है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो विशाल इन इन तमाम तस्वीरों के बीच जो है एक बातें निकल कर सामने आती हैं कि जब विधायकों से जब पूछा गया है तो उस दौरान जो है सबसे ज़्यादा जो है किसके समर्थक रहे हैं, किस किन नेताओं ने जो है वो सबसे ज़्यादा इन नेताओं का नाम लिया है, तो उनमें यही साफ तौर पर तस्वीर निकल कर सामने आती है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो इस बार जो 40 विधायक चुनकर आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो रुझान जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर थे और इसी के तहत जो है वो आलाकमान ने ये फैसला लेने के लिए जो है वो जाहिर तौर पर अपने ऑब्जर्वर्स को यहाँ पर भेज रखा था और उसके अलावा सीनियर लीडर्स को यहाँ पर भेज रखा था ताकि लगातार इन तमाम नेताओं से बात करने की कोशिश की जाए ताकि जो है स्थिरता से एक निर्णय लिया जा सके और फाइनल जो है वो जल्द से जल्द किया जा सके, क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था कि इसका निर्णय जो है वो शायद दिल्ली में ही होगा, वहीं से अनाउंसमेंट होगी, लेकिन सारी अटकलों पर विराम लग गया और आज यहीं से स्टेट की राजधानी से शिमला से जो है वो इसका निर्णय ले लिया गया और तस्वीरें बिल्कुल सामने हैं, क्योंकि उसके बाद जैसे ही निर्णय लिया गया तो प्रतिभा सिंह से पूछा गया और प्रतिभा सिंह ने यही कहा कि अब आलाकमान ने फैसला ले लिया है और अब हमें इसे स्वीकार करना है और अब सर्च संदीप इस फैसले के सामने आने के बाद आपकी प्रतिभा सिंह के जो खेमे के विधायक हैं, जो प्रतिभा सिंह के समर्थक विधायक हैं, क्या उनसे आपकी बात हुई? क्या वो भी इस फैसले को राजी लेकर राजी हैं या किसी तरह का कोई विरोध है लेकिन अभी कोई कुछ कहना नहीं चाहता? देखिए, जो समर्थक विरोध कर रहे थे और जाहिर तौर पर वो नहीं चाहेंगे कि जो है वो हॉली लॉज खेमे में जो है वो इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रतिभा सिंह जो हैं वो सबसे पहले उनकी डिमांड की जा रही थी और हालांकि समर्थक लगातार यही नारे लगाते जा रहे थे कि सातवीं बार हॉली लॉज इसके आगे हमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन देखना है कि प्रतिभा सिंह के खेमे के जो विधायक हैं, जो उनके समर्थक विधायक हैं, वो इस फैसले को पचा पाते हैं या नहीं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि सुखविंदर सुक्खू के नाम पर सहमति बन गई है।